इधर दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन के बीच हुए समझौते पर कहा कि दोनों देश तनाव घटाने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हर मसला बातचीत से हल हो सकता है, देर सवेर समस्या का समाधान निकल ही आता है। इंडिया एंड चाइना हैव बीन इन्वॉल्व इन टॉक्स बोथ एट डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस इन सर्टेन एरियाज अलोंग द एलएसी। पर्सुएंट टू द टॉक्स ब्रॉड कंसेंसस हैज बीन अचीव्ड to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. तो दोनों सेनाओं के बीच में 2020 में गलवान में झड़प हुई थी, ऐसा टकराव दोबारा ना हो इसीलिए दोनों देशों ने नया पेट्रोलिंग समझौता किया है। यह समझौता डेमचौक और देपसांग के लिए है। यहां भारत चीन के बीच 2020 से टकराव के लगातार हालात बने हुए थे। क्या है यह समझौता, आपको समझाते हैं। भारतीय सेना ने उम्मीद जता दी है कि सैनिक अब देपसांग में पेट्रोलिंग प्वाइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे। इसमें नॉर्थ में दौलत बेग ओल्डी और काकाकोरम दर्रे की तरफ 16,000 फीट की ऊंचाई पर टेबल टॉप पठार भी शामिल है। और अगर साउथ की बात करें तो साउथ में डेमचौक के पास चार्डिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन से भी सैनिक हट रहे हैं। ये वही इलाका है जहां चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय इलाके में कुछ टेंट लगाए हैं। पैंगोंग त्सो के उत्तरी छोर पर फिंगर 8 तक गश्त बहाल होगी। यहां भारतीय सेना फिंगर 4 पॉइंट तक नहीं जा पा रही थी। अब आमने सामने टकराव की जो स्थिति है उससे बचने के लिए दोनों सेनाएं अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी। एक दूसरे को अपनी पेट्रोलिंग की तारीख और वक्त के बारे में पहले से खबर करेंगी। मकसद देखिए इसका यह है कि सैनिकों के बीच कोई भी किसी प्रकार की झड़प ना हो और हिंसा, वायलेंस जिसको हम कहते हैं, वो भी ना हो।